देखिए, प्लाजो पैंट या ट्राउज़र या लेडीज़ पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं, पॉकेट लगाने के तरीके एक दो होते हैं, उनमें से एक इजीली तरीका यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमेशा सपोर्ट करें, बेल का आइकन ज़रूर से दबाएँ, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो ये मेरा प्लाजो पैंट है जो एक हैवी साइज है, उसका मैं एक साइड पॉकेट लगाना बताऊंगा। तो ये क्रॉस पॉकेट लगाना मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मेरा कटिंग किया हुआ है, दो पैर हैं लेफ्ट राइट की, ठीक है। तो यहाँ से करीबन 2.5 इंच का यहाँ लेंगे, इसमें ये 2.5 इंच का पहला निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्रॉस में नाप लेंगे करीबन 7 इंच के आसपास, ये यहाँ पर मतलब 7 इंच के आसपास ये देखेंगे अपना जो हाथ है अच्छे से आ जाए। तो इसका यही तरीका है, इससे आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपकी अगर साइज छोटी बड़ी हो तो उसके अनुसार। और इसे यहाँ से 2.5 इंची को पकड़ के यहाँ से रख लें इस तरह से, या तो इसे आप वैसे ही करके लगा दें या इस कपड़े को काट दें। तो फिलहाल मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो ये मैंने क्रॉस में कटिंग कर दिया है, ये मेरा आसन है इस तरफ से और ये मेरी साइड है। और इसमें एक दूसरा तरीका होता है, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं बता रहे, क्रॉस वाला पॉकेट है वो बता रहे हैं। तो ये तो हो गया अपना क्रॉस। अब इसमें लेंगे कपड़ा, पॉकेट कैसे कटिंग करें उसके लिए। तो ये मेरा डबल फोल्ड कपड़ा है, दो पॉकेट कटिंग करूँगा। तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लेता हूँ ये इस तरह से, और करीबन 6.5-7 इंच के आसपास इसे मैं रखने वाला हूँ। तो इसे पहले तो मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ, ये तो कपड़ा गया। अब इसे मैं करीबन 6.5 इंच या 7 इंच ले लेता हूँ, ये 7 इंच का निशान और ये 7 इंच का निशान, ठीक है। और जो गले इस पॉकेट की जो लंबाई होगी, इसकी जो टोटल लंबाई है वो करीबन 11-11.5 इंच पे अपन लेंगे इसे। तो ये 11.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया ऐसा, और ये सीधा निशान हो जाएगा। अब इसमें कटिंग करने का सीधा सा गणित है, ये अपनी साइड वाले हिस्सा आ जाएगा जो आँच पे साइड करते हैं वो वाला, और यह वाला हिस्सा आगे की तरफ। तो इसे यहाँ तो इस तरफ से गोलाई दे दें, या फिर इसे यहाँ से इस तरह से गोलाई दे के फिर ले लें। तो थोड़ा सा यहाँ से गोलाई दे दूँगा तो साइड में खिंचाव नहीं मारेगा, तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से देता हूँ। तो ये मेरा पॉकेट कटिंग हो गया। इसमें भी कई तरीके हैं, पॉकेट ऐसे भी लगाते हैं क्रॉस में, यहाँ से ऐसे छोटा हो यहाँ से बड़ा भी लगाते हैं, चौकोर भी रख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे की तरफ करके भी लगाते हैं। फिलहाल जो मेरा पॉकेट का है यही रहेगा, इसमें अच्छे से आराम से मेरा हाथ भी आ जाएगा और कुछ भी एसेसरीज रख सकते हैं। तो ये पॉकेट कटिंग हो गए, अब कैसे लगाते हैं। अब इसका जो एक पल्ला उठाते हैं यहाँ पर ये वाला, और इसे ले लेते हैं, और इसमें भी एक पॉकेट निकाल देते हैं बाहर की साइड और एक पॉकेट यहाँ पे उठा के लेते हैं। एक पॉकेट लेंगे तो ये वाला हिस्सा ले लेते हैं यहाँ पर, और इसे सीधा मिला लेते हैं इस तरह से, इस तरह से सीधा मिला लिया इसे ऊपर रखेंगे। तो यहाँ इसको भी कटिंग कर सकते हैं उसी की तरह, इसको इस तरह से लेंगे, उल्टा पलट लेते हैं और यहाँ से इसे सिलाई मार लेते हैं एक। ये यहाँ पर सिलाई लगा दी इसकी, और ये जो कपड़ा है सेम वैसे ही कटिंग कर दिया इसका, और इसे इस तरह से सूती लगाएंगे और एक पैर की सिलाई इसके ऊपर मार देंगे, ये एक पैर की सिलाई आसानी से, ये एक पैर की सिलाई लग गई। अब ये सिलाई तो अपनी लग गई, ठीक है। अब दूसरा पल्ला लेंगे इसका, ये वाला पल्ला लिया और इसे मिला लेंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल से यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर से यहाँ पर इस पॉकेट को मिला लेंगे ऊपर, और यहाँ पर भी इसे मिला लेंगे इस तरह से। तो जो हिस्सा यहाँ पे कटिंग किया था ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेस से अपना बराबर आ जाएगा इस तरह से,
ठीक है, अब इसमें पहले तो ये इस पॉकेट के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ राउंड में इसके। ये सिलाई आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलाई भी यहाँ तक लग गई, ठीक है। यहाँ पर आप और लोग निकाल सकते हैं। और अब इसका जो गणित है वो देख लेते हैं। ये इसे बिल्कुल बराबर से मिला लेते हैं और इसे सीधा करके इस तरह से लगा लेते हैं, और जहाँ पर ये बिल्कुल सही से बैठे वहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। ये तो साइड की लगा देते हैं, यहाँ पर ये साइड की सिलाई हो गई। और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ज़रा सा काट दें और यहाँ से भी इसे पैक कर देते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से अपना एक साइड पॉकेट है वो लग के तैयार है। आसानी से ये देखिए, बिल्कुल आसान से। और आप इसकी साइड करके यहाँ से साइड की सिलाई लगा कर यहाँ पर इस पर टाँकी बांध सकते हैं, यहाँ पर भी टाँकी बांध सकते हैं। टाँकी बांधने का तरीका ईजी है, मतलब यहाँ से सिलाई लगा दी। ये देखिए, ये ज़रा सी टाँकी मैं बता देता हूँ, ऐसे करके इस पर टाँकी लगा दें। टाँकी लगाने का तरीका यही कि आपकी जो फिक्स है वो करीबन 6.5-7 इंची के आसपास हाथ आ जाए। तो ये मेरा 6.5 इंच है, तो इसमें मेरा हाथ जो आराम से आएगा। तो यही है, ऐसे ही करके दूसरा पॉकेट अपना लग जाएगा। आसान था। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।